दो तीन बिजनेस आइडियाज जो टॉप के हैं, टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर करें कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है उस चीज में जब आप मेहनत करते हैं आप टाइम की स्पेस से आउट हो जाते हैं। बेस्ट है मोबाइल फोन के जरिए काम करना, अमेजोन का ही है, उसमें हम प्रोडक्ट सोर्सिंग का होता है, डिजाइनिंग की तरफ भी आ सकती हैं आप, और इसमें फेसबुक मार्केटिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी टैगलाइन है और हम इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा और ज़िंदगी में रोशनी बनो। ये भी आप लोग जानते हैं कि आजकल डिजिटल स्किल्स और अमेज़ॉन के ज़रिए अर्निंग करना, इसके बारे में हर इंसान जानना चाहता है, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घरों में हैं और जो चाहती हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम करें और उससे अर्निंग भी स्टार्ट हो सके, उनके लिए आज का इंटरव्यू बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट हैं ये अमेज़ॉन के ज़रिए प्राइवेट लेबल का काम कर रही हैं और उससे अर्निंग भी कर रही हैं, इसके साथ साथ ये एंटरप्रेन्योर भी हैं। बेसिकली ये टीचर थी, लेकिन टीचिंग से इन्होंने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया, ऑनलाइन बिज़नेस का। वो क्यों किया, कब किया और कैसे किया, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। और फिर आजकल के दौर में जितनी अर्निंग कर रही हैं वो ख़ुद भी ये बताएंगी, इतनी अर्निंग करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किस तरह मुमकिन है, ये भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम अंजुम नहीद साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, मैं सबसे पहले तो ना यहाँ से आगाज़ करूँगा कि आप माशाल्लाह से टीचिंग कर रही थी और अभी भी आप, आपने जैसे बताया कि आप ओ लेवल्स को पढ़ाती हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि आपने कब सोचा कि मैं ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाऊँ, और इसको सीखने में जो लर्निंग एक प्रोसेस होता है अमेज़ॉन का कोर्स करने का, इसमें आपको कितना टाइम लगा? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 20 ईयर से टीचर हूँ, और मेरा टीचिंग का करियर गुलशन अभी से ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में मैंने एज अ टीचर वर्क किया, देन जो है मैंने अपनी अकेडमीज भी बनाई, स्कूल्स भी थे हमारे, लेकिन कोविड का जब सिनेरियो आया तो उसमें जो है आपको पता ही है कि टोटल जो है रेवोल्यूशन आ गया, हम लोग सब घर में बैठ के। और उससे पहले जो थे हमारे स्पिरिचुअल टीचर थे मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार, अब वो पर्दा कर गए हुए हैं, तो उन्होंने हमें तब फरमाया था कोविड से भी पहले तकरीबन 5-6 साल पहले कि यू आर एजुकेटेड। मेरे हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह से मास्टर्स हैं, डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इसके साथ साथ टीचिंग के साथ साथ आप जो है डिजिटल स्किल्स कंप्यूटर पर वर्क करें, कंप्यूटर को सीखें। कंप्यूटर पे जब आप काम करेंगी तो पूरी दुनिया में आप कहीं से कहीं पहुंच सकती हैं, ये उनकी वर्डिंग थी। तो वो वर्डिंग क्लिक करती थी हमारे माइंड में, लेकिन हमें समझ नहीं आती थी कि हम कहाँ से स्टार्ट लें। तो कोविड में फिर जो है जब हम लोग घरों में बैठ गए और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स आ गए, ऑनलाइन क्लासेस आ गई, तो हमारे बच्चे भी, हम भी उस पर चले गए, तो फिर मैंने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तब इधर कासिम अली शाह से ही हमें एनेबलर्स का पता चला, और साथ ही एक्सट्रीम कॉमर्स सनी अली का पता चला, फिर हिशाम सरवर को हमने एक्सप्लोर किया, फिर वहाँ से मैं आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स को सीखती सीखती, तो तकरीबन ये मेरा 1.5 ईयर का जो था एक्सप्लोरेशन थी और सफ़र था, जिसमें मैंने फिर अमेज़ोन का जो है और डिजिटल मार्केटिंग का, इसको मैंने कोर्सेज किए एक्सट्रीम कॉमर्स से, अनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से, और जो है ये फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको स्टार्ट किया। और मेरी फर्स्ट जॉब जो एज अ डिजिटल मार्केटर हुई वो मेरी यूएसए कंपनी में रिमोट वर्क मेरा हुआ। अच्छा, ठीक है। तो आई वाज देन सरप्राइज्ड के जो है वो डॉलर्स में मेरी फर्स्ट पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह $300 एट दैट टाइम्स 2021 की बात है, तो ये इट्स अ बिग अमाउंट और अब भी है लेकिन उस टाइम स्टार्ट हुई। तो फिर इसको जो है मैंने जो है फिर हमने टीम बनाई, टीम बना के मैंने दूसरे लोगों को भी फिर सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है तो ज़ाहिर है बेसिकली तो आई एम अ टीचर, तो टीचर का काम ही यही होता है कि रोशनी फैलाना। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि आपने जॉब स्टार्ट की और उसके बाद फिर प्राइवेट लेबल बिजनेस तक पहुँचने में ये कितना अर्सा लगा, और इस सारे प्रोसेस को सीखने में टोटल आपको कितना टाइम लगा? जी बिल्कुल, मुझे ये प्राइवेट लेबल का करने में पूरा 1 ईयर लगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इट्स अ टेक्निकल स्किल और ये बहुत वाइड स्कोप पर है, ये कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें हमारी 4-5 फील्ड्स आती हैं,
तो हम मुझे पूरा 1 year 6 months का मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स से कोर्स किया। उसके बाद वहीं पर फिर हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की, एजेंसी बनाई, एजेंसी में फिर हमने इसको प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो ये आप 1 year का आप सफ़र कह लें कि जिसमें हमने लगा, फिर एज आ जो है मैंने अपना भी इसको जो है मार्केट, यूके मार्केट में मैंने जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट किया पार्टनरशिप पर। मैम, जैसे आपने बताया कि आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रही हैं, तो आप इस हवाले से ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी जो अपने घर में बैठी हैं और वो काम करना चाहती हैं? कोई आइडिया, मैं चाहता हूं कि 2-3 आइडियाज़ आप उनके साथ शेयर करें। वैसे तो जाहिर है कि ये एक हकीकत है कि आइडिया आपका अपना होता है और जो आपका अपना आइडिया होता है वो सबसे बेहतरीन होता है, और क्योंकि आप उस पर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक आप कह लें कि एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं ये जानना चाहूँगा उन ख़वातीन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, जिनको नहीं समझ आती फिर भी उसके बावजूद कि ई कॉमर्स की फील्ड में हम जाएँ तो आगे हम किस चीज़ में अपने करियर को परसू करें, तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप 2-3 बिज़नेस आइडियाज़ जो टॉप के हैं या जो टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सबसे पहले लेडीज़ को जो सजेस्ट करती हूँ, ये करती हूँ कि आप एक्सप्लोर करें, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को देखें और इंटरेस्ट के मुताबिक आप, जैसे कासिम अली शाह भी कहते हैं और सब मेंटोर्स कहते हैं कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में जब आप मेहनत करते हैं तो फिर आप टाइम की स्पेस से आउट हो जाते हैं, फिर ये आपको बर्डन नहीं लगता, प्रेशराइज नहीं लगता। तो लेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए काम करना, ठीक है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हर घर में मौजूद है, 2-2, 3-3 मौजूद है, और इसके लिए इस पर हम कैनवा की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, इस पर जो है हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, इस पर जो है हम जो है वो जैसे अमेजोन का ही है, उसमें हम प्रोडक्ट सोर्सिंग का होता है जिसमें कम्युनिकेशन आपकी अगर अच्छी है तो उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिज़ाइनिंग की तरफ भी आ सकती हैं आप, और इसमें फेसबुक मार्केटिंग, क्योंकि फेसबुक को हम दिन में 10-20 मरतबा खोलते हैं, तो फेसबुक मार्केटिंग बहुत बड़ी प्लेस है हमारी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटर, ये जो हम बहुत इजीली लेडीज बन सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा मैम, ये जो 3-4 आपने चीज़ें बताई, इनमें स्किल्स की अगर हम बात करें और आप भी जो कर रही हैं प्राइवेट लेबल उसमें भी, तो टॉप स्किल्स आपको कौन से आने चाहिए? टॉप स्किल इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट आती है तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे अमेजोन है, दराज है, ईबे है, शॉपिफाई है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जिसमें बहुत ही ईजी है, फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, टिकटॉक है, यानी कंटेंट राइटिंग और कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, ये आप कर लें, ग्राफिक डिजाइनिंग, बिल्कुल ये आप करें तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके आप सेलिंग परचेजिंग अपना बिजनेस आप 5,000 से 10,000 से विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे सोर्सेज यहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, आपने इंस्पिरेशन का तो स्टार्ट में जिक्र किया, मुझे ये बताएं कि इस सारे सफ़र में बीइंग अ वुमेन आपके लिए कितना आसान था, घर वालों के साथ उनको भी साथ टाइम देना, उनको लेके चलना और फिर अपनी सारी प्रोफेशनल चीज़ों को भी मैनेज करना, ये मुश्किल था या आसान था? इट्स नॉट अ ईजी टास्क, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बीइंग अ फीमेल हम बहुत से मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 3 kids, मैं मदर भी हूँ, ठीक है, और मैं हाउस वाइफ भी हूँ, मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करती हूँ, मैनेज सारा करती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी खुद ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह से प्री ओ लेवल में है एंड ही इज़ आल्सो अ ग्राफिक डिज़ाइनर, अच्छा, वीडियो एडिटर, ठीक है, और छोटा बेटा भी कैनवा पे माशाल्लाह डिज़ाइनिंग करता है। तो आपके साथ काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा, मैं उनको अपने सारे एडिटिंग पोस्टिंग के काम उन्हीं से ही करवाती हूँ, वही करती हूँ। तो बड़ा आपने फिर पूरी बिजनेस प्लानिंग की हुई आगे तक। जी बिल्कुल, और माई हस्बैंड इज़ आल्सो अ कंटेंट राइटर। अच्छा जी, तो ये इजी टास्क नहीं होता, अपने घर को मैनेज करना होता है, बच्चों को मैनेज करना होता है, और फिर बीइंग अ प्रोफेशनल आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं 10 से 12 घंटे काम करती थी, मैं यानी कि सब चीज़ों के साथ साथ मैं कंप्यूटर पर बैठ के, इसको लर्निंग का जब प्रोसीजर था तो मेरा 12 से 14 घंटे भी था, मैं उस पर लर्न करती थी, मैं एक्सप्लोर करती थी, और ये जो है आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि जब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं तो फिर हर चीज़ जो है वो अपनी प्लेस पर होती है, फिर आपके लिए ईजी हो जाता है। सही। अच्छा मैम, कोई भी अगर नया कह लें कि बच्चा या बच्ची इस फील्ड में आना चाहती हैं, वो सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं ई कॉमर्स को और वो अर्निंग करना चाहते हैं, तो उन्हें अराउंड अबाउट कितना टाइम लगता है अर्निंग के फेज़ में आने में? देखिए, इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल सेट,
ठीक है, कम अज कम स्किल को सीखने में 6 मंथ्स लगते हैं, ठीक है, 4 to 6 मंथ्स आप एक स्किल को सीखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, उसके बाद किसी टीम के साथ, एजेंसी के साथ, किसी कंपनी के साथ, अगर आपको फ्री में भी काम करना पड़ता है एक्सपीरियंस के लिए, वैसे तो फ्री में नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ वो होता ही है, पेड होता है, लेकिन मतलब ये एक्सपीरियंस लें आप, क्योंकि जब आप सीनियर्स के साथ अटैच होते हैं, सीखते हैं, तो वो फिर आपकी स्किल्स पॉलिश होती है, ठीक है, तो फिर ये एटलीस्ट 6 मंथ्स का जो है वो टेन्योर है जिसमें आपने वर्क करना है, स्किल सीखनी है। सही हो गया। अच्छा मैम, फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? जैसे आप अभी प्राइवेट लेवल में काम कर रही हैं, तो इससे मंथली अर्निंग कितनी हो जाती है और फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम हमारे बाहर के क्लाइंट्स भी हैं, जाहिर हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी करते हैं, सोशल मीडिया को मैनेज भी करते हैं, ई कॉमर्स के बिजनेसेस भी हैं हमारे, तो मेरी टीम भी है, सॉफ्टवेयर हाउस हमने जो है लिबर्टी में है हमारा, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती हूँ और साथ जो है हमारा वर्क भी है, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख जो है पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही क्वालिटीज़ और अल्लाह ताला ने वैसे ही उनको सलाहितों से नवाजा है जैसे बाकी सब मर्द भी हैं, और सब अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, और ख़वातीन जो है इस वक्त मल्टी टास्क प्ले कर रही हैं, यानी वो घरों को भी मैनेज करती हैं, अपनी ऑफिस लाइफ को भी मैनेज करती हैं, प्रोफेशनल लाइफ को भी करती हैं, तो मैं लेडीज़ को यही करूँगी आप अपने घरों में ही बैठ के, ये वो वाही स्किल्स हैं जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की है, ये ई कॉमर्स की, ऑनलाइन की दुनिया हम जिसे कहते हैं, ये वो वाही स्किल है जिसको सीख के आप की ना पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, ना बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, और आप जो है घर में ही बैठ के अपने बच्चे, अपनी फैमिली, और कहीं भी, कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बैठ के आप काम कर सकते हैं, स्किल को सीखें और इसको लेकर आगे बढ़ें। मैम, आपकी एक अपनी एजेंसी भी है, कंपनी भी है अंजुम इंटरप्राइजेस के नाम से, मुझे ये बताइएगा ये अभी क्या क्या सर्विसेज दे रही है और क्या ये लोगों को सिखाती भी है अमेज़ॉन के हवाले से? जी बिल्कुल, हमारी जो कंपनी है दी अंजुम इंटरप्राइजेस, इट्स अ रजिस्टर्ड कंपनी, और इसमें मैं बिल्कुल WRCI का जो है वो वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारा ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि वीमेन रिसोर्स सेंटर एंड इंक्यूबेशन है, इनका जिक्र करूँगी क्योंकि ये वो सेंटर, वो प्लेस है जहाँ पर लेडीज़ को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है जो उनको ब्रांडिंग के लिए हेल्पफुल होती है और मार्केटिंग के लिए हेल्पफुल होती है, और इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आके हमने कंपनी को जो है वो अपने रजिस्टर्ड करवाया, और यहाँ से जो है वो अब हमारी कंपनी जो है वो ऑनलाइन भी काम कर रही है, ट्रेनिंग्स दे रही है, जिसमें मैंने बताया कि हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट की देते हैं, अमेज़ॉन की देते हैं, ई कॉमर्स की देती हैं, शॉपिफाई की, दराज की, एंड जो है इसके साथ साथ मेरी ऑन साइट जो है वो लिबर्टी में ही हमारा ऑफिस है, और वहाँ पर जो है हमारी पूरी टीम बैठी हुई है और ये काम कर रही है। मैम, आप एक सक्सेस स्टोरी हैं, आप मेहनत कर रही हैं, मैं चाहूँगा कि आखिर में इख्तिताम से पहले आप हमारी यूथ को और ख़ास तौर पर ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी? स्पेशली मैम लेडीज़ को ज़रूर मैसेज दूंगी कि लेडीज़ किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में कम नहीं हैं, अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही क्वालिटीज़ और अल्लाह ताला ने वैसे ही उनको सलाहितों से नवाजा है जैसे बाकी सब मर्द भी हैं, और सब अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, और ख़वातीन जो है इस वक्त मल्टी टास्क प्ले कर रही हैं, यानी वो घरों को भी मैनेज करती हैं, अपनी ऑफिस लाइफ को भी मैनेज करती हैं, प्रोफेशनल लाइफ को भी करती हैं, तो मैं लेडीज़ को यही करूँगी आप अपने घरों में ही बैठ के, ये वो वाही स्किल्स हैं जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की है, ये ई कॉमर्स की, ऑनलाइन की दुनिया हम जिसे कहते हैं, ये वो वाही स्किल है जिसको सीख के आप की ना पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, ना बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, और आप जो है घर में ही बैठ के अपने बच्चे, अपनी फैमिली, और कहीं भी, कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बैठ के आप काम कर सकते हैं, स्किल को सीखें और इसको लेकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम नहीद साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और ख़ास तौर पे जिन स्किल्स की इन्होंने बात की, अगर आप भी उनको सीख लें तो आप भी महाना अच्छी रकम कमा सकते हैं, जो कि हर इंसान की आजकल ज़रूरत है और हर इंसान इस पर काम करना चाहता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।